नहीं है, नहीं हुआ ऐसा। मैं बता रही हूँ ना, कल का निर्णय आपको इसलिए लेना होगा कि पानी उतार नहीं यार, 200 करो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयां में हैं और घर में बहार आई है, घर में बहार आई है। और गालिब के उन्हीं शेरों में से एक शेर मैं आप लोगों को सुनाता चाहता हूँ। वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर पे हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की कोठी पर आज दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पहुँचे हुए हैं और साथ में ही काउंसलर मोहम्मद सादिक मौजूद हैं। आज अचानक गालिब की याद ये G20 खींच लाई है या कुछ और हो जाए? नहीं, ऐसा है कि गालिब साहब तो दिल्ली वालों के और ख़ासकर बल्ली मारान गली कासम जान वालों के दिल में बसते हैं, और G20 की मेज़बानी क्योंकि इंडिया कर रहा है इस बार और इंडिया में भी दिल्ली कर रही है, और उसके अंदर गालिब साहब की हवेली और गालिब साहब को याद ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर दिल्ली में जितने भी मेहमान आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में अगर आएंगे तो गालिब साहब की हवेली में ज़रूर आएंगे गालिब साहब, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग गालिब साहब से मोहब्बत करते हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज यहाँ G20 को लेकर यहाँ का दौरा किया है, जो इसमें रिनोवेशन का काम किया जा रहा है तो उसकी तैयारियों को लेकर उसका जायज़ा लिया है, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, PWD, MCD सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, और इसको जो इसमें इसको रेनोवेट करना है तो उसका पूरा जायज़ा लिया है। अब से पहले देखा गया कि 2-4 दिन पहले यहाँ दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबराय वो भी यहाँ पर पहुँची, खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज वो यहाँ पहुँचे, तो अचानक दिल्ली सरकार को गालिब की याद, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या सिर्फ इसीलिए आ रही है, रेनोवेशन वगैरह सारा काम इसीलिए चल रहा है, आज आप खुद भी पहुँचे हैं, क्या मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कुछ खास? देखिए, ऐसा है कि गालिब साहब, मैंने आपको बताया कि दिल्ली वालों के दिल में बसते हैं, दिल्ली वाले क्या, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के दिल में बसते हैं, लेकिन क्योंकि G20 का एक वो है समिट है, तो उसके मद्देनज़र गालिब साहब की हवेली भी G20 के उसमें है, प्लेसेस में है, जहाँ G20 से जुड़े हुए समिट में आने वाले लोग आएंगे, तो हमारे मेहमान जब यहाँ आएंगे तो उनकी मेज़बानी के लिए, उनकी मेज़बानी में किसी चीज़ की कमी ना रहे तो उसी का जायज़ा ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार का एक एक मंत्री अब पूरी दिल्ली के अंदर घूम के जायज़ा ले रहे हैं और खुद CM साहब का निर्देश है और LG साहब भी निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो भी, क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और गालिब साहब को जो याद करते हैं लोग बाग, वो गालिब साहब को जो याद करते हैं और ये हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसी तरीके से लोग बाग देखना चाहते हैं दुनिया के, जिस तरीके से वो रहते थे, जो इतिहास जैसे वो रहते थे, क्या किस तरीके से उनकी हालात ज़िंदगी थी, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कैसे किस तरीके से उनका रहन सहन था, लोगों से मिलना जुलना था, तो उसी क्या किस कैसी शतरंज से खेलते थे, क्या करते थे, सुबह उठ के क्या उनका निज़ाम था, उसी हिसाब से उनकी हवेली को लोग घूमना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक है और हेरिटेज भी है साथ में, तो उसको उसी अंदाज के अंदर संजोने का काम कर रहे हैं। मैं ये एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, रिनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेशन का सिस्टम आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? नहीं, वो हमने खड़े होकर सांस नहीं आ रहा, डेलीगेशन यहाँ पर आने हैं, कुछ इस तरीके का हो कि कम से कम हवा तो महसूस हो। नहीं, उसका इंतजाम होगा, आपको इंशाल्लाह उसका इंतजाम होगा। नहीं देखिए, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ही तो इंस्पेक्शन किया है हमने, और हमारे साथ ये आर्ट एंड कल्चर विभाग से हैं, आप इधर आइए, तो इसमें आप बताइए इनको कि क्या क्या काम कराएंगे। मंत्री जी बिल्कुल मैं पूछ लूंगा, लेकिन आपको नहीं लगता, आप भी खड़े हैं, जबरदस्त स्वेटिंग हो रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पंखे का इंतजाम होना चाहिए, तो यहाँ पंखे का इंतजाम तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, वो कराएंगे,
और इसके साथ साथ जो लाइटिंग का इंतज़ाम है और जो भी दीगर इंतज़ाम हैं उसको यहाँ कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि क्योंकि रिस्टोरेशन काम जब शुरू हुआ 1999 में और उस वक्त के जो गवर्नर दिल्ली के विजय कपूर थे, शीला दीक्षित सरकार थी, तब इसको इसका जो रखरखाव था, मेंटेनेंस थी, वो उस वक्त में ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था, आज कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है इमरान हुसैन? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए जब उन्होंने करा होगा तो उस वक़्त का तो मुझे इतना पता नहीं उन्होंने क्या करा कैसे करा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। गालिब साहब की हवेली है उसके अंदर, क्योंकि बल्ली मारान से तो लोग बाग आएंगे, गालिब साहब की हवेली का दीदार करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग और ख़ासकर पुरानी दिल्ली के लोग, चांदनी चौक के लोग अपने मेहमानों के लिए बाहें पसारे खड़े हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की मेज़बानी की मिसाल दी जाती है और उसमें भी पुरानी दिल्ली की तो बात ही निराली है। तो पुरानी दिल्ली के लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए दोनों हाथ से बाहें खोले खड़े हैं और उनकी इंशाल्लाह मेज़बानी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। कोई वीरानी सी वीरानी है, घर को देखकर दश्त याद आया, देख के घर याद आया, तो ये क्या है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, घर को देखकर दश्त याद आया। मंत्री जी पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ के हम बतलाएं क्या। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज नहीं देखिए बात सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि G20 के अंदर गालिब साहब की हवेली भी है, और दूसरी बात मैं बताऊँ, बल्ली मारान के लोग हों, पुरानी दिल्ली के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हों, तो गालिब साहब तो लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग बाग पढ़ते हैं उन्हें, अदब से नाम लेते हैं उनका, तो गालिब साहब तो लोगों के दिलों में बसते हैं, तो ये क्योंकि उनकी यादगार है, ये उनका सरमाया है हवेली, तो इस उनके सरमाए को देखने पूरी दुनिया से लोग आएंगे, तो इसमें जो भी रेनोवेशन का और इसी कंडीशन में ही रेनोवेशन की जाएगी इसकी, क्योंकि ये हेरिटेज भी है, तो ये तो उनका सरमाया है और हमारे देश का सरमाया है, ये मुल्क का सरमाया है, दिल्ली का सरमाया है, बल्ली मारान के लोगों का सरमाया है गालिब साहब। चाहे पानी को लेकर हो, सीवर को, यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स लाने का इरादा है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ पूरे कुछ IAS ऑफिसर्स की टीम भी है जो काम कर रही है, और हम इसको बहुत जल्दी इसको हम ले जाएंगे, इंशाल्लाह हम पहनाएंगे। कुल मिलाकर के एक राउंड ये रखा गया है, G20 का वक्त है, जैसे कहा कि अब वक्त बहुत कम बाकी रह गया, तकरीबन 7 दिन है और उसके बाद फिर तमाम मेहमान विदेशों से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसी के लिए बल्ली मारान के इस इलाके में, गालिब की इन गलियों में और उनकी इस हवेली को सजाया संवारा जा रहा है और जहाँ कहीं कोई भी कमियाँ हैं उसको पूरा किया जा रहा है। फिर वही वाली बात कहूँगा कि देर आए हैं गालिब के दर पे, लेकिन दुरुस्त आए हैं गालिब के दर पे।